तो उस वक्त कहते हैं आप सबका फाइनली लवली, इन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया है। इसका जो कार का विनर डिक्लेयर करने वाला था वो प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। देख पाएंगे अब लवली इन्हू की कार भी दौड़ेगी सड़कों पर, लोगों के अंदर होगा लवली इन्हू का क्रेज और बढ़ेगा इसका प्राइस। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए कि लवली इन्हू ने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली लवली स्वैप में, यहाँ पर कुछ और भी नया डिस्क जो भी फीचर है वो ऐड किए गए हैं, जैसे अर्न करने का, यूटिलिटी का, ट्रेड का और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लवली इन्हू स्वैप में की गई हैं। इसका एम एस सेशन डीफाई जो इकोसिस्टम है वो 24/7 यहाँ पर रहने वाला है, लिक्विडिटी पूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लवली इन्हू में रिसेंटली इम्प्रूव की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर देखिए लवली इन्हू में जो टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन के लिस्ट में नंबर 1 पे बना हुआ है लवली इन्हू, नंबर 2 पे आपको मिलेगा SMGTO, उसके बाद नंबर 3, 4, 5 नंबर पर है बी राइस, बिट बॉय के नाम से भी ये क्रिप्टो बन चुकी है। एक बिट बॉय क्रिप्टो को आप लोग जानते भी होंगे, तो उनके नाम पर भी एक जो है क्रिप्टो करेंसी बनी है और वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी हो रही है। फ्लो की इनो बेबी डाज कॉइन लूना और उसके बाद है BTCP, तो ये क्रिप्टो करेंसियाँ जहाँ पर जो इस समय टॉप 10 इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड हो रही हैं। इस समय अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट तो थोड़ा सा अपनी जो है पटरी पर वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ तक हुआ है, क्या क्या अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लवली इन्हू में बिगेस्ट चेंजेस ये होने वाला है कि अब ये टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट होने जा रहा है लवली इन्हू, और ये जो बातें हैं मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इस क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना सकती हैं, क्योंकि अब तक ये मीम क्वाइन हुआ करता था और इन फ्यूचर अब ये बन जाएगा टोकन। टोकन और क्वाइन में अगर डिफरेंस की बात करें तो आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे क्वाइन का मतलब है कि उसके पास अपना खुद का घर होना, और टोकन का मतलब है वो उसी घर में क्या हो, खुद का घर ना होना, उसमें किराए पर रहना, यानी कि खुद की क्वाइन के पास अपनी जो खुद की ब्लॉकचेन होती है और टोकन के पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है, बस यही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लवली इन्हू में बिगेस्ट चेंजेस रिसेंटली देखने को मिले हैं। लवली इन्हू के कई सारे ऐड भी हैं, जैसे इस समय आपने देखा होगा कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहाँ पर भी लवली इन्हू के अगर ऐड दिखाए गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे NFT का मार्केट है काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो हो रहा है, ज़्यादातर जो भी टीम है या जो भी चीज़ें हैं वो अपना जो है NFT लॉन्च कर रही हैं। NFT लॉन्च करके क्या हो रहा है, उसमें जो भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं या जैसे क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी आपको। इस समय आप लोग जानते ही होंगे जैसे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहाँ पर जो है दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें से अगर वहाँ पर इसके ऐड दिखाए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में लोगों का वहाँ पर जो है भरोसा और भी बढ़ता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइस बढ़ने के चांस हैं, आप भी यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, करोड़पति भी बन सकते हैं। कौन से कॉइन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप जो है करोड़पति बन सकते हैं विद इन 2 or 3 months में, कितना मिनिमम आपको अमाउंट जो है वहाँ पर लगाना चाहिए कि आप जो है 2 or 3 months में ही आप जो है करोड़ रुपये यहाँ से कमा पाएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्कैम की चीज़ें भी थी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ NFT फुटबॉल क्लब लवली इन्हू ने OKX के साथ रिसेंटली पार्टनरशिप भी की थी, और भी बिगेस्ट चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। देखिए यहाँ पर लवली इन्हू जो चैन है और भी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट होने वाली है, EVM कंपेटिबल होने वाली है, जियो गैस फीस सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंट होने वाली है चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इन फ्यूचर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं इस वीडियो हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप का प्राइस जानने से पहले, सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट इस समय थोड़ा सा यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली इसके पहले अभी जो प्राइस जो 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर सिर्फ आपको 2% का ही देखने को मिल रहा है। ये मार्केट यहाँ पर $852 बिलियन है, कल तो और भी ज़्यादा यहाँ पर डाउन था, तो देखते हैं रिसेंटली यहाँ पर कुछ रिकवरी हुई है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें होंगी। बिटकॉइन और सोलाना और पैनकेक स्वैप इस समय ये तीनों क्रिप्टो करेंसियाँ कर रही है ट्रेंड। कल जो है अभी रिसेंटली बात करें तो बिटकॉइन अपने 70,000 को अचीव कर चुका था, लेकिन आज फिर से यहाँ पर
16 सप्ताह के बीच में फंस के रह गया है इथेरियम और तीथा बीएनबी, इन सब का प्राइस आप यहां पर देख पाएंगे। लेकिन आप बात करते हैं कि आखिर लवलिनो का इस समय जो है प्राइस क्या है, उसका मार्केट कैसा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कंप्लीट बातें यहां पर आपको बताते हैं लवलिनो के बारे में। तो सबसे पहले लेकिन एक चीज़ और है, आखिर ये जो लवलिनो क्रिप्टो करेंसी है इस समय रिसेंटली क्या हो रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस भी हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। रिसेंटली आप इसका जो है प्राइस यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या चल रहा है, 0.01% का यहाँ पर इंक्रीमेंट भी आया है। लवलिनो की कम्युनिटी टोकन और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर रैंक भी आप देख पाएंगे, 2842 इसकी रैंकिंग है और इसको इथेरियम और बाइनेंस दोनों के ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। यहाँ पर मार्केट की बात करें तो लवलिनो क्रिप्टो करेंसी को अब तक जो है PancakeSwap, Huobi Global, Gate.io और Mex हो गया, Bitmart, La Token, इन सब एक्सचेंज पर इसको जो है लिस्ट किया जा चुका है। और ये जो लवलिनो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि Binance के स्मार्ट चेन पर इसके कितने होल्डर हो चुके हैं, तो आप देख पाएंगे Binance के स्मार्ट चेन पर यहाँ पर लगभग जो है 97,000 प्लस यहाँ पर इसके होल्डर हैं। डेसिमल, ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है लवलिनो फाइनेंस की। ये है ऑफिशियल वेबसाइट और बिगेस्ट चीज़ है लवलिनो लिटिल लव एंड ड्रीम बिग, बिगेस्ट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग लिस्टिंग, यानी कि बहुत दिन से जो है इसको साइट को जो है अपडेट नहीं किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी, देख पाएंगे यहाँ पर इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है लगभग जो 55+ ट्रिलियन यहाँ पर टोटल सप्लाई है, सर्कुलेशन सप्लाई 81% है। डेवलपर के पास कितनी चीज़ें हैं, एक्सचेंज और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वैप भी है, टोकन भी है, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।